नहीं डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव कर रहा हूं मैं। सर अभी टाइम है या स्टार्ट कर दूं? एक मिनट 52 पर है, 52 हो रहा है, हाँ, तो 55 मैं पर तो स्टार्ट। जब तक इंस्ट्रक्शंस दे दूं। हाँ 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 स्टार्ट कीजिए आप। हाँ स्टार्ट कीजिए टीचर। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और दूसरे सेशन में कुछ वक्त अभी है जब तक मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं। आज का हमारा सेशन कामयाब हो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप स्क्रीन पर दिए हुए रूल्स को फॉलो करें। सबसे पहले तो आपको बहुत ही खामोशी से डिसिप्लिन के साथ इस सेशन को मुकम्मल करना है। जब आपसे कोई सवाल किया जाएगा तो आप रेज हैंड का ऑप्शन ओपन करेंगे, उसको प्रेस करेंगे और जो आपका माइक म्यूट है उसको अनम्यूट करेंगे और फिर आंसर देंगे। आंसर देने के बाद फिर से अपना माइक जो है वो म्यूट कर देंगे और इस तरह से अगर डिसिप्लिन के साथ पूरा लेसन हमारा कंप्लीट होता है तो ये एक हमारा सक्सेसफुल सेशन होगा। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से? हाँ मुजाहिद सर, मेरी आवाज आई? आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। बच्चों को मेरे रूल समझ में आए? बच्चे जवाब देंगे? ओके, हाँ टीचर। थैंक यू। आप सब रब्बे करीम के नाम से आगाज करती हूँ इस सेशन का। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने आपकी तालीम को ऑनलाइन जारी रखने के लिए ये एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसमें मैं आप सबको गुड मॉर्निंग कहती हूँ। आज के इस सेशन में मैं अपने तमाम प्यारे स्टूडेंट्स का, मोहतरम ऑफिसर सर का और तमाम काबिले कद्र और असातिज़ा और सदर का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। सभी का वेलकम है इस सेशन में।
बस रिक्वेस्ट है ये कि आप सब इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में रोज सुबह 8 बजे से ज्वाइन हो जाएं। रोजाना आपके 2 मज़मून के 2 लेसन होंगे। अपने दोस्तों और सहेलियों से भी इसकी लिंक शेयर करिए ताकि ये जो तालीमी सिलसिला जारी है आप सबका इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं आप और तालीम में आपके इजाफा होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी जमात है हफ्तों, सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी मज़मून है तारीख और आज का उन्वान है तारीख के माखिस और मैं हूँ आपकी मौलिमा सैयद फौजिया कमर देवनार कॉलोनी म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 से जहाँ की सदर मुदरसा हैं अंसारी बदरुनिसा साहिबा और हमारी हरदिल अजीज बीट इंस्पेक्टर इंचार्ज है मुहतरमा आरिफा सलीम साहिबा। सबक शुरू करने से पहले क्यों ना हम अपनी किताब को जल्दी जल्दी देख लें और गौर से देखें। देखिए इसके सरे वर्क को और इसके दरमियान के तमाम सफात को, फिर आखिरी सफ़े पर भी नज़र डालिए तो देखिए आपको बड़ी खुशी और दिलचस्पी होगी देखने के लिए। क्यों? इसलिए कि कितनी सारी रंगीन और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं, नक्शे भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस तरह से ये एक बहुत दिलकश और अट्रैक्टिव किताब नज़र आती है। इतना ही नहीं, और गौर से जब आप इस सफ़ात को पलटेंगे तो आपको जगह जगह चौकोर नज़र आएंगे जिनमें सबक से ताल्लुक रखने वाली इजाफी मालूमात यानी के एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई है। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग किताब ये। प्यारे बच्चों, अगर हम तारीख के मज़मून को एक दिलचस्प मज़मून समझकर पढ़ें तो यकीनन इस मज़मून को हम पसंद करेंगे और ये हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चों, आपने सुवमता शशुम, सुवमता पंजुम जब आपने माहौलियाती मुतालिया पढ़ा था और शशुम में आपने तारीख की किताब पढ़ी थी तो आपने एक बात को जरूर जहन नशीन किया हुआ होगा कि इसमें अहद कदीम की तारीख का मुतालिया किया गया था, यानी बहुत पुराने जमाने की तारीख हमने छोटी जमातों में पढ़ी थी। लेकिन जब आप इस साल हफ्तों में आए तो आपने किताब को जब खोला तो आपको पहले सफ़े पर नज़र आया होगा, इस पे लिखा है अहद वस्ता की तारीख का मुतालिया यानी अहद वस्ता के भारत की तारीख, यानी ये वो ज़माना है जो पुराने और नए दौर के दरमियान का ज़माना है। उन तमाम अदवार का इल्म इस किताब में दिया गया है और जब इंशाल्लाह आप अगली जमातों में तरक्की करके जाएंगे तो आप उसमें अहद जदीद की तारीख को पढ़ेंगे। अहद जदीद का भारत या हम कह सकते हैं कि नए जमाने की तारीख का मुतालिया करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि सुवमता दहुम तारीख में किस तरह का अलग अलग फर्क पाया जाता है। अब जबकि आप ये जान चुके हैं कि हमारी किताब अहद वस्ता की तारीख के बारे में है तो ये भी तो जानना होगा कि अहद वस्ता या दरमियानी जमाना भारत का कब से कब तक का होगा। तो फिर तहकीक की गई और तहकीक से मालूम हुआ कि भारत का अहद वस्ता यानी दरमियानी जमाना 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक माना गया है। और अब हम कौन सी ईस्वी में रह रहे हैं? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक का जो जमाना था वो अहद वस्ता का जमाना माना गया। तो क्या कभी आपने गौर किया है कि तारीख का मजमून क्यों पढ़ाया जाता है या हम
क्यों इस मजमून को पढ़ें और हम तारीख का मजमून क्यों पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको इस सवाल का जवाब भी बताती चलूं। जब तारीख के मजामीन पढ़ते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों के कारनामे के बारे में पता चलता है, साथ ही ये भी मालूम होता है कि किस किस बादशाह की कहां कहां हुकूमतें रही हैं, उनकी फतेह, उनकी शिकस्त यानी हार जीत का इल्म, फिर उनके जमाने में लोगों के लिए कौन कौन से अहम काम की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ फिर हम उन बातों को भी जान लेते हैं कि जो गलत रायज थी, जैसे गलत रस्म और रिवाज। बहुत सी ऐसी रस्में थी जो बुरी थी लेकिन उस जमाने के लोग मानते थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सती की रस्म, जिसमें जिंदा औरत को आग में जला दिया जाता था, या फिर बेवा पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था जिनका शौहर मर जाया करता था। इसी तरह से छूत छात की रस्में, मर्द और औरत की हुकूक में बहुत ज्यादा फर्क था, औरत पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। ये तमाम बातें जो गलत हो चुकी हैं उनके असरात भी बहुत बुरे थे, इसलिए अब हमें इनको दोहराना नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें माजी की अगर हमें मालूम हो जाएंगी तो हम आगे के मुस्तकबिल में वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे और अपना शानदार मुस्तकबिल बना पाएंगे। इस तारीख की किताब में वाकयात तरतीब से लिखे जाते हैं कि पहले कौन सा वाकया हुआ, उसके बाद कौन सा वाकया पेश आया। जब सिलसिलेवार बातों को लिखा जाता है तो वो एक तारीख बनती है। अब देखिए बच्चों, आज का जो सबक है उसका उन्वान है तारीखी माखज। और जैसा कि आपको उन्वान नजर आ रहा है, तारीख के माखज, माखज के मायने होते हैं वो कौन से जराए हैं जो हमें उस दौर की तारीख का पता देते हैं। उस सबूत के जरिए हम यकीन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा क्यों हुआ होगा। और जो कुछ चीजें आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम तारीख को जान सकते हैं, उन्हें तारीख के माखज कहते हैं। हमने इस सबक को पढ़ा तो है, मगर मैं चाहती हूँ कि आज इस सबक में कुछ और इजाफा करते चलें ताकि हमारा इरादा भी हो जाए और हम इस सबक पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लें। तो आज का जो सबक है वो इंतहाई दिलचस्प है, मगर इस सबक को जब हम मुकम्मल पढ़ लेंगे तो हमारी कौन कौन सी मालूमात में इजाफा होगा, तो आइए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आमोजिशी महासल, या इंग्लिश में लिखा है लर्निंग आउटकम्स। यानी अगर हमने इस सबक को मुकम्मल तौर पर समझ लिया तो हम क्या क्या चीजों की मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के तारीखी जराए को हम जान सकते हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ माखज़ में बआसानी हम फर्क कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ माखज़ तारीखी उनके अंदर क्या क्या फर्क पाया जाता है। इसके अलावा आज के जमाने में, मौजूदा जमाने में, हम उन तारीखी माखज़ की अहमियत को जान सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। और फिर हम जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उससे इन मालूमात का ताल्लुक भी बना सकते हैं। तो ये आमोजिशी महासल हमको इस लेसन के एंड में हासिल होगा। तो आइए तारीखी माखज की सबसे पहली अहम किस्म जो है मादी माखज, उसके बारे में जानते हैं। मादी माखज यानी किसी अहद वस्ता के जमाने में किसी चीज के टुकड़ों या फिर इमारतें, खूबसूरत और शानदार महल, इसी के साथ साथ
कुतबे और मकबरे या यादगारें, उस दौर के सिक्के, मोहरे और गार वगैरह, ये जो आप देख रहे हैं ये सब मादी माखिज की मिसालें हैं। या फिर हम इसके अलावा भी अगर देखना चाहते हैं तो फिर शहरों के बाकियात, जैसे हड़प्पा तहजीब के आसारात, उसके अलावा तांबे की प्लेटों के नमूने जिसमें बादशाह अपने अहकामात लिखकर रखा करते थे, या बहुत से किस्म के खूबसूरत किले। अब देखिए किलों में बहुत सारी किस्में हैं, कुछ किले जो थे वो समुंदरों में बनाए गए थे। आज भी हम अगर अलीबाग के किले को देखने जाएं तो समुंदर में वो किला बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत है, आज भी हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जंगलाती किले जो जंगल में बनाए गए थे, और उस जमाने में किलों की बड़ी अहमियत थी क्योंकि किले उस जमाने में एक महफूज मुकाम माने जाते थे। वहां पर अगर किसी बादशाह का हमला होता था तो आवाम को किलों में पनाह दी जाती थी ताकि वहां पर वो अपनी जान और माल की वो हिफाजत कर सके, और ये किले बड़ी मजबूती से बनाए जाते थे। आज तक ये कायम है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने मजबूत बनाए गए होंगे। इसके अलावा पहाड़ों पर भी कई किले बनाए गए हैं। हमारे महाराष्ट्र में पहाड़ पर बहुत सारे किले पाए जाते हैं। पहाड़ों पर किले बनाने से क्या फायदा होता था कि ये ऊंचाई पर होते थे किले, और ऊपर बैठी हुई जो फौज थी बादशाह की वो नीचे से हमला करने वाली फौजों का बआसानी अंदाजा लगा सकती थी कि वो किस रास्ते से ऊपर की जानिब आ रहे हैं, तो इससे पहले वो तैयार हो जाया करते थे और फिर उनका मुकाबला आसानी से कर लेते थे। तो बहुत से किले जो थे वो पहाड़ों पर बनाए गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जमीन पर भी कुछ किले बनाए गए थे, और जमीनी किले जो हम मैदान वगैरह के आसपास जहां पर चंद नबातात के साथ जमीन के बड़े खुले हुए हिस्से पर ये किले तैयार किए गए थे, ये आज भी बहुत सी जगहों पर मौजूद है और हम वहां जाकर उनकी खूबसूरती को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, छू सकते हैं उन किलों को। फिर उसके अलावा उस दौर के लिबास, अब ये जो लिबास उस अहदे वस्ता में इस्तेमाल होते थे, अगर आज हम देखना चाहें तो इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल हमको म्यूजियम में जाकर देखने मिलेगी। म्यूजियम में तरह तरह के लिबास जो उस दौर के इस्तेमाल होते थे वो आज भी महफूज करके रखे गए हैं। फिर हम देखेंगे तो उस जमाने के बर्तन, किस तरह के वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, उन पे किस तरह से बारीक नक्शो निगारी बनाई जाती थी, ये भी हम मादी माखज में शुमार करते हैं। उससे सबसे दिलचस्प उस जमाने के जानवर, जो जानवर आज हमारे जमाने में मौजूद नहीं है लेकिन अहदे वस्ता में मौजूद थे वो, तो अब हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? तो जब किसी मुकाम पर खुदाई की जाती है जमीन की और जमीन के नीचे से उन जानवरों के बाकियात मिलते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उन जानवरों की हड्डियां या हम कह सकते हैं उनके बाकियात, तो उन बाकियात को लेकर उस जमाने के जानवरों की नस्लें, उनकी बनावट, उनकी तमाम गिजा या उनकी जसामत, इन तमाम वगैरह का इल्म हासिल कर लिया जाता है बआसानी। इसके अलावा उस जमाने के लोगों ने कैसे जेवरात इस्तेमाल किए थे, उनके पहनने वाले जेवर कैसे वो बनाते थे और किस तरह के होते थे, ये भी हमको म्यूजियम में रखे हुए मिलेंगे। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको तस्वीर में दिखाई ये सब क्या कहलाएंगी? मादी माखिज। आप इसको एक बार और गौर से देख लीजिए, मादी माखिज में क्या क्या शामिल होता है। किले शामिल होते हैं, जेवरात हैं, लिबास हैं, जानवरों के बाकियात हैं, बर्तन हैं, तांबे की प्लेटें हैं, जो शहर थे पहले अब नहीं रह गए लेकिन अब जब हम उसको संभाल कर जमीन की खुदाई करते हैं तो अंदर से पूरे पूरे शहरों के आसारात भी हमको मिल जाया करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मादी माखिज कहलाती हैं, जो उस जमाने के लोगों के रहन सहन, तामीरात के ढंग,
उनकी महारतें, इसके साथ साथ हम उनके शौक को भी समझ सकते हैं कि किस तरह के शौक वो रखते थे। सबसे बढ़कर जो हमने सिक्के देखे, उन सिक्कों को अगर आपने गौर से देखा होगा तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको इस पर मुख्तलिफ किस्म की जबानें लिखी हुई नजर आएंगी। कभी बादशाहों ने अरबी जबान के सिक्के ढाले, उस पर अरबी जबान कुंदा की, कभी संस्कृत में तो कभी फारसी में। तो इन सिक्कों से हमको उस जमाने में कौन सी जबानें रायज थी इसका भी अंदाजा होता है, और ये भी मालूम होता है साथ साथ में कि लोगों ने चांदी, सोने और तांबे के सिक्कों से लेन देन किया होगा, इसलिए कि उस जमाने में इसी तरह के सिक्के चलते थे। बहुत से मंदिर, मस्जिद या गारों की संतराशी को जब हम देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये अजंता एलोरा के गार हैं, अगर इनको अंदर से जाकर देखें तो इनकी फनकारी मालूम होती है कि अहद वस्ता के जो लोग थे जिनके पास जदीद किस्म के हथियार नहीं थे, एक हथौड़ी और चीनी से वो पहाड़ों को किस तरह से तराश कर खूबसूरत मूर्तियां, कितने खूबसूरत मनाजिर उन्होंने अंदर बनाए हैं। बादशाह के दरबारों को संग तराशी करके दिखाया गया है, जंगलात में जानवरों को दिखाया गया है, बेहतरीन किस्म की मूर्तियां बनाई हैं, तो इससे उनकी फन की बहुत ज्यादा हमको मालूमात हासिल होती है। इस तरह मादी माखिस से हम बहुत सी चीजों के जरिए उस दौर की ढेर सारी मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो ये हमने मादी माखिस देखे थे। अब आइए देखते हैं तारीखी माखिस के दूसरी अहम किस्म, वह है तहरीरी माखिस। देखिये तहरीरी माखज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और तहरीर का जो लफ्ज है वो हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि तहरीर करना यानी लिखना, इसका मतलब भी आसान हो गया समझने के लिए कि वो जराए, वो चीजें जो अहद वस्ता में लिखी हुई शक्ल में मिली वो तमाम तहरीरी माखज कहलाई। आप देखेंगे कि किन किन पर तहरीर किया गया था, जो इल्म था उस जमाने का या जो मालूमात थी वो किन किन जगहों पर तहरीर की गई थी, जो आज हमारे दरमियान मौजूद है या अगर हम तहकीक करें तो हम उनको देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। देखिए दरख्तों के पत्तों पर उस जमाने में लिखा जाता था, या दरख्तों की छालों पर लिखते थे, या कभी किसी की जिंदगी पर किताब लिखी गई। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप की सवाने उमरी लिखी गई, यानी उनकी जिंदगी के कारनामे और पूरी जिंदगी की जो रुदाद लिखी गई, तो सवाने उमरी की तरह भी तहरीरी माखज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कभी शाही फरमान या अहकाम लिखे गए, जो उस जमाने के बादशाह होते थे वो इस तरह से अपने फरमान लिख कर जारी किया करते थे और अवाम तक ये पढ़कर सुनाया जाता था। तो इस तरह से तहरीर होते थे उस जमाने के तमाम अहकाम। फिर हम देखते हैं कि भोज पत्रों का इस्तेमाल हुआ, स्क्रीन पर आप देखिए भोज पत्र, इसपे भी बहुत से इल्म को लिखा गया, बहुत सी मालूमात लिखकर उन्होंने महफूज रखी ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को ये इल्म हम पहुंचा सके। फिर कभी ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथ साहिब है, ये ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई जो लोगों के इखलाक को सुधारने के लिए लिखी गई, और इसी के साथ साथ बहुत से आलिमों ने मजहबी किताबें भी लिखी गई हैं जो आज भी मौजूद हैं। तो ये तमाम किताबें, ग्रंथ, फरमान, सवाने उमरी, भोज पत्र पे लिखी गई बातें, कभी शजरे भी लिखकर महफूज किए गए ताकि किस नस्ल से इंसान अपने दौर को आगे बढ़ा रहा है उन शजरों से, जैसे हमारी किताब में भी भोसले खानदान का शजरा मौजूद है, तो शजरे भी लिखकर तहरीर किए गए, महफूज किए गए। तो ये सब जो थे
वो हमारे तहरीरी माखिस कहलाए, यानी इन तहरीरी माखिस से हम तारीख का पता लगा सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि हम इन तहरीरी माखिस को जान भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर हमने उस जबान को सीख लिया तो हम उस जबान की तहरीरी माखिस को बआसानी पढ़ भी सकते हैं और अपने लिए इल्म में इजाफा भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये तो भारत के लोगों ने लिखा, इतना ही नहीं, जो सैयाह गैर मुल्की थे, जो घूमने आए थे भारत, उन्होंने भी भारत के लिए किताबें लिखी। और उनमें से मशहूर किताबें हैं अल बैरूनी की, निकोलस की और इब्ने बतूता की। हम इनकी तारीख को पढ़ सकते हैं, जो भारत के नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के बारे में तारीख को लिखा है। अब अगर इतनी अच्छी तस्वीर देखकर आपको कभी शौक हुआ कि हम भी भारत की तहजीब या भारत की तारीख को और ज्यादा जाने, या हमको मौका मिले कि लाइब्रेरी में हम कभी मौजूद हों, तो हम इन तमाम मौरखीन को जिन्होंने तारीख को लिखा है पढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा। इनके नाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो मौरखीन हैं ये बहुत ही मोतबर और अहम मौरखीन हैं भारत के, जैसे जियाउद्दीन बरनी हैं, मौलाना अहमद हैं, याया इब्ने अहमद, मिर्जा हैदर, भीम सेन सक्सेना, रॉबर्ट आर्म, एम सी स्प्रंगल और ग्रैंड डफ। ये तमाम की तारीख अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो इनकी तारीख की किताबों को आप जरूर पढ़िएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तहरीरी माखज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आइए तारीखी माखज की आखिरी किस्म जबानी माखज को जानते हैं। अब इसके भी उन्वान में आप देख रहे हैं जबानी, और जबानी जबानी लफ्ज आया है जबान से, तो उन्वान से ही अंदाजा हो जाएगा कि जबानी माखज यानी जबान के जरिए जो मालूमात आगे के जमाने में पहुंची है वो जबानी माखज कहलाई। तो उनको कैसे पहचाने कि ये जबानी माखज है, तो आइए आपको चंद मिसालें दे दूं। जैसे दंत कथा है, हिकायत है, पुआड़े हैं, श्लोक है, अभंग है, मुहिब्बे वतन के गीत हैं, कहावतें हैं, लोकगीत है या लोरियां हैं, ये वो चीजें हैं जो नस्ल दर नस्ल लोगों में मुंतकिल होती रही, जो कहीं लिखी हुई पाई नहीं गई बल्कि जबानी तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच गई, वो जबानी माखज कहलाई। बहुत सी रस्मों में गाए जाने वाले गीत वगैरह जो लिखे हुए ज्यादातर नहीं पाए गए मगर जबानी तौर पर हम तक पहुंच गए। और आज भी ऐसी बहुत सी लोरियां हैं जो गाई जाती हैं, माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती हैं, लेकिन वो कहीं हमको लिखी हुई मिलती नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो जबानी माखज है, जो श्लोक और पुआड़े अभंग ये उस जमाने के लोगों को नेक आमाल की तरफ लाने के लिए सुनाए जाते थे, उनको बताए जाते थे, तो ये सिर्फ जबानी तौर पर ही हम तक पहुंचे हैं। तो आइए जबानी माखज में आपको एक मजेदार क्लिप भी दिखाती चलूं ताकि आपको वाजे हो जाए कि जबानी माखज किस तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्लिप।
तो मजा आया ना आपको देखकर, और सुनकर भी मजा आया होगा आपको, वो लोरी भी याद आई होगी जो बहुत ही आम थी चंदा मामा की। तो ये जो थी जबानी माखज़ की मिसालें थी। तो इन तमाम मादी माखज़, जबानी माखज़ और तहरीम माखज़ जो हमने आज इन तमाम के बारे में पढ़ा, जो अहद अवस्था के थे, तो इन तमाम को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद हमको मुंदरजा ज़ेल बातों का इल्म हासिल हुआ। कौन कौन सी बातें, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहली है ज़बाने। हमने उस दौर की मुख्तलिफ ज़बानों के बारे में भी मालूमात हासिल की कि उस ज़माने में कौन कौन सी ज़बानें राइज थीं, अरबी, फारसी, संस्कृत, देवनागरी, ऐसी बहुत सारी ज़बानें जो थीं वो राइज थीं और लोग उन ज़बानों में किताबें भी लिखा करते थे, अहम मालूमात भी लिखी है, इल्म भी बांटा है उस ज़बान में। तो ये ज़बानें भी हमने अहद वस्ता के मादी माखज़, ज़बानी माखज़ और तहरीरी माखज़ से मालूम की। इसके बाद है समाजी ज़िंदगी। समाजी ज़िंदगी से हमें क्या मालूम हुआ कि उस ज़माने के लोगों का समाज किस तरह का था, लोगों का रहन सहन, उनकी रस्म व रिवाज, उनकी ज़िंदगी की बहुत सी रोज़ाना की बातें और ग़िज़ा वग़ैरह। तो ये जो समाजी ज़िंदगी है ये मालूम होती है हमको इन तमाम माखज़ के ज़रिए से। इसके बाद हम देखते हैं माशी ज़िंदगी। माशी ज़िंदगी से हमको पता चलता है कि उस ज़माने में अमीरी गरीबी के बारे में क्या था, कौन कौन से सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, कैसी फसलें होती थी उस ज़माने में, कैसे कारोबार किए जाते थे, ये भी हमको मादी माखज़, ज़बानी माखज़ और तहरीरी माखज़ से मालूम हो जाया करता है। इसके बाद है अहदे हुकूमत। अहदे हुकूमत यानी कौन कौन से बादशाहों ने अहदे वस्ता में कहां कहां पर अपनी हुकूमतें कायम की और कैसे अपनी हुकूमतों की तौसी की और फिर उस हुकूमत में कौन कौन सी इस्लाहात की, इस्लाहात यानी आवाम के लिए कौन कौन सी अच्छी बातों की शुरुआत की, उनके कैसे ख्याल रखे गए आवाम के, ये हम अहदे हुकूमत के बारे में जानते हैं। इसके बाद उन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी, कहाँ कहाँ उनको फतेह हुई, शिकस्त हुई और किस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत को बखूबी चलाया, ये भी हम इन तमाम माखज़ के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। फ़नून है आखिरी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आखिरी लफ्ज़ है फ़नून। तो फ़नून यानी मैंने आपको बताया कि जैसे गारों को गौर से देखा गया तो किस तरह से संग तराशी की गई पत्थरों को काट कर, या फिर मस्जिदों को देखा गया किस तरह से बारीक बारीक नक्शो निगारी की गई, या उसमें कुरान की आयतें कैसे लिखी गई। फिर हम देखते हैं मंदिरों में किस तरह से खूबसूरती से उनकी तामीरात की गई, किस तरह से उनमें मूर्तियां बनाई गई। इन तमाम से हमको उस ज़माने के लोगों के फ़न का इल्म होता है कि कितने माहिर थे उस ज़माने के लोग और उनके शौक़ क्या थे और उनकी कारीगरी कितनी अजीम थी, ये भी हम फ़नून में मालूम करते हैं। और ये कैसे मालूम करेंगे, जब हम इन तमाम माखज़ को गौर से देखेंगे तो हमको उनकी फ़न कारीगरी का भी इल्म होगा। अब देखिए सबसे अहम बात है, इतनी तो तालीम हमने हासिल कर ली, लेकिन अब अहम बात है कि इन तारीखी माखज़ को उनको जांचा कैसे जाए, कद्र पैमाई कैसे की जाए। कद्र पैमाई यानी उनको परखना, जांचना, किस तरह से हम यकीन करें इन माखज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बताती चलूं कि जब भी किसी बात को हमको जानना होता है कि ये बात सही है या गलत, तो हमको उसकी गहराई तक जाना होता है, छानबीन करनी पड़ती है। जल्दी से किसी की बात पर यकीन हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भी हमें तारीख दानों के बारे में तहकीक करना, उन पर रिसर्च करना भी ज़रूरी है। और
स्क्रीन पर आप देखिए, पहला पॉइंट है माखज मोतबर मानने के लिए तहकीक, यानी हम किसी तहरीरी माखज यानी किसी किताब को अगर हम देख रहे हैं तो हम ये समझ ले पहले कि ये जो मौरिख है ये मोतबर है या नहीं, इस पर हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हमको उसके बारे में तहकीक करना पड़ेगा। तब हम तहकीक करके अगर हम जानते हैं कि वो सादिक था, सच्चा था और उसने बहुत से ऐसे काम किए जिस पर लोगों ने यकीन किया, तो फिर हम उस मौरिख की तारीख को पढ़ सकते हैं और उस पर यकीन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है असल और नकल में फर्क। हमको ये पहचानना जरूरी है कि जो हमारे पास तारीखी माखज़ है, जो तारीखी जरिया हमारे पास है, वो असली है या फिर नकली लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सी चीजें जो है वो नकली हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, लेकिन हमको असल की पहचान करना जरूरी है। उस फिर असल की पहचान करके असल चीज से हम अपनी तारीख को मालूम करें। उसके बाद है स्क्रीन पर तीसरा पॉइंट, ताल्लुकात या सियासी दबाव, यानी अगर हम किसी मौरिख की किताब को पढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि वो उस दौर के किसी बादशाह के दबाव में था या किसी सियासी लीडर के दबाव में था, या कभी किसी उस बादशाह के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, या फिर किसी ने दौलत की लालच में या फिर डर और खौफ के वजह से ऐसी तारीख लिखी जो सही नहीं थी। तो अगर सियासी दबाव में लिखा गया है तो हम उस तारीख को सही नहीं मानेंगे। फिर है चौथा, मुबालिगा आरई। मुबालिगा आरई यानी झूठ से काम लेना, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना। तो बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले मौरखीन की तारीख को हम मुसद्दका नहीं मान सकते, या तसन्नो वाली यानी बनावटी बातें, सच्चाई में जो नहीं थी लेकिन बनावटी बनाकर लिख दी गई। तो ये तमाम तारीखी किताबों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको अपनी असल तारीख नहीं मालूम होगी। इसके बाद सबसे मेन जो पॉइंट है वो मौरिख को गैर जानिबदार होना चाहिए, यानी वो आजाद हो, वो किसी के दबाव में ना हो, अपनी आजादी से जो बातें उसके दौर में गुजरी हैं वो उसको लिखे, इंसाफ के साथ लिखे और सच्ची बातें लिखे। तो ऐसे मौरिख की तारीख को जब हम पढ़ेंगे तो हम सही तारीख का अंदाजा लगा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा। अब आइए जल्दी से इस सबक की मश्क यानी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका यादा हो जाए। बहुत ही आसान सवालात के जवाब आपको देने हैं, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं सवालात। देखिए अभी आपने जो भी पढ़ा उसको आप अपने दिमाग में दोहराते रहिए तो आपको इन सवालात के जवाब देने में आसानी होगी। ये है हमारा तारीखी माखज की मशकी सवालात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग अगर जवाब देना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करें और जवाब दे दें। तो मशकी सवालात में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मुंदजा ज़ेल खानों में छुपे हुए तारीखी माखज के नाम तलाश करके लिखिए। जी टीचर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई।
देखिए आप लोग मश्की सवालात को गौर से पढ़ेंगे और उसका जवाब सोचने के लिए अपने पढ़े हुए इल्म को दोबारा अपने जहन में दोहराएंगे। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? जी। तो देखिए सवाल नंबर एक है, मुंदजा जेल खानों में छुपे हुए तारीखी माखज के नाम तलाश करके लिखिए। अब हमने इसमें बहुत से नाम ढूंढने हैं, ये खाने बने हुए हैं, इसमें हुरूफ लिखे हुए हैं। आपको करना यह है कि आप सबक में से कुछ अल्फाज को यहाँ पहचानिए और जवाब के तौर पर इन्हें लिखिए। जैसे मिसाल के तौर पर है, पहला अगर हम देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पर मस्जिद। दूसरा कोई बता सकता है? माहनूर, माहनूर दूसरा कोई जवाब बता सकती हो तुम? दंत कथा। वेरी गुड, दंत कथा, शाबाश। शेख दिलशाद अगर आप बताना चाहें इसमें से कोई लफ्ज पहचान रहे हैं आप? तारीखी, तारीख, वेरी गुड, तारीख। अच्छा चौधरी सानिया बता दीजिए आप इसमें से कोई लफ्ज पहचान रहे हैं? कपड़े। हाँ कपड़े, कपड़े, वेरी नाइस, कपड़े। रिजा आप बता सकती हैं? इसमें से आपको कोई लफ्ज पहचाना हुआ लग रहा है जो तारीखी माखज में था? इसे मैं बताऊं? हाँ बोलिए। कहानियाँ, वेरी नाइस, कहानियाँ। दंत कथा, दंत कथा, हाँ दंत कथा। मकबरे, वेरी नाइस। तस्वीरें, तस्वीरें, शाबाश। तो इस तरह से एक जो रह गया है वो क्या रह गया है हमारा? लफ्ज कुवाड़े, है ना? कुवाड़े, हाँ टीचर। अब है सवाल नंबर दो। दो, सवाल नंबर दो में है, यादगारों में किन अशिया का शुमार होता है, यानी किन किन चीजों को हम यादगारें कह सकते हैं? मैं बताऊं टीचर? हाँ बोलिए। यादगारों में समाधि, मिजाज, इबादत का मकबरा, फतह कास्तून, फतेह का कमान वगैरह का शुमार होता है। शाबाश, वेरी गुड। सवाल नंबर दो है, तवारीख से क्या मुराद है? टीचर मैं बताऊं? हाँ बताइए। तवारीख से मुराद दो वाकियात की तरतीब बयान करना है। नहीं देखिए, दो नहीं लिखा हुआ है वो, तवारीख से मुराद वाकियात की तरतीब बयान करना है। मैंने कहा था आपको कि जब हम सिलसिलेवार कोई बातों को लिखते हैं तो वो तारीख बन जाती है, तो उसी का जवाब है ये, तारीख से मुराद वाकियात की तरतीब बयान करना, बयान करना। वेरी गुड, शाबाश। सवाल नंबर तीन है, कौन पढ़ेगा सवाल नंबर तीन? हाँ पढ़िए। तारीख नौंसी में मयूर मौरिक के गैर कौन से पहलू? नहीं सवाल पढ़ना है, सवाल। तारीख मवेशी के दौरान मौरिक के कौन से पहलू अहम होते हैं? हाँ तो उसका जवाब है, तारीख नवेसी में मौरिक की गैर जानिबदारी, यानी वो किसी के दबाव में ना रहे, ना किसी के साइड से वो तारीफ लिखे, तहकीकी मिजाज और मुस्तकिल मिजाजी जो होती है वो उसकी बहुत ज्यादा अहम होती है। ऐसे मौरिक को हम जब पढ़ेंगे तो हम ओरिजिनल हिस्ट्री, असल तारीख को पढ़ पाएंगे। उसके बाद है सवाल नंबर तीन, ग्रुप से अलग लफ्ज तलाश करके लिखिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड मैन आउट, यानी सवाल के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज छुपा है जो उन तमाम अल्फाज से ताल्लुक नहीं रखता है। तो सवाल नंबर एक में आप देखिए लिखा हुआ है मादी यानी तबई माखज, तहरीरी माखज,
गैर तहरीरी माखिज और जबानी माखिज। अभी हमने जो सबक पढ़ा उसमें हमने तीन किस्म के माखिज पढ़े थे, मादी माखिज पढ़ा, तहरीरी माखिज पढ़ा, जबानी माखिज पढ़ा। कौन सा माखिज नहीं पढ़ा हमने? गैर तहरीरी माखिज। तो ये जो है वो ग्रोह का अलग लफ्ज है, ये ऑड मैन आउट है, यानी ये इन तमाम अल्फाज से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये जवाब आएगा गैर तहरीरी माखज। सवाल नंबर दो है, यादगारें, सिक्के, गार, कहानियां। अब इसमें कहानियां क्यों अलग है, क्यों ये कहानियां तमाम चारों में से अलग है ये? क्योंकि यादगारें, सिक्के और गार जो हैं वो मादी माखज हैं, और कहानियां जो हैं वो तहरीरी माखज में भी आती हैं और जबानी माखज में भी आती हैं, लेकिन मादी माखज में नहीं आती। इसलिए कहानियां जो है वो ग्रोह का अलग लफ्ज है, तो हम इसको जवाब के तौर पर लिखेंगे कहानियां। सवाल नंबर तीन है, भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, तस्वीरें। तो इसकी इसका जवाब क्या हो सकता है? मंदिर। क्यों हो सकता है, ऐसा कोई बता सकता है मंदिर क्यों हो सकता है? ये पूरे अल्फाज का अलग लफ्ज क्यों है, ऑड मैन आउट क्यों है ये, कोई बता सकता है इसके बारे में? भोजपत्र, ग्रंथ और तस्वीरें क्या है? हाँ, शाबाश। भोजपत्र, ग्रंथ और तस्वीरें जो हैं वो तहरीरी माखज में शामिल होती हैं, ये लिखी हुई चीजें हैं, जबकि मंदिर जो है वो मादी माखज है ना, ये इमारतों में आता है, बनी हुई चीजों में आता है। तो ये मंदिर जो है इस ग्रोह का अलग लफ्ज है। इस तरह से आप जब जवाब दे रहे हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जवाब क्यों यही होगा, इसका रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए कि भोजपत्र, ग्रंथ और तस्वीरें ये तमाम चीजें तहरीरी थी, इसमें मंदिर एक ऐसा लफ्ज था जो तहरीरी नहीं था, इसलिए जवाब मंदिर। अब है आखिरी सवाल, अशार, तवारीख, कहानियां, रिवायती हिकायत। तो इसमें ऑड मैन आउट क्या होगा? तवारीख। अशार, कहानियां, रिवायती हिकायत जो है वो सब क्या है? जबानी माखिज है, कहां कहां से हम तक पहुंचे हैं ये, लेकिन तवारीख जो है वो तहरीरी माखिज है, इसलिए इसका जवाब होगा तवारीख। उम्मीद है आप सबको ये सबक, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाइए, अपने अतराफ सफाई रखिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू।